सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी जारी है। अब तक 500 से ज्यादा लोगों को सूडान से सऊदी अरब के जद्दी लाया जा चुका है। लोगों की मदद के लिए नेवी और एयरफोर्स ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे हैं। सरकार की कोशिश सूडान में फंसे हर भारतीयों को सुरक्षित निकालने की है। न्यू इंडिया जो है अपने आप को अब आज ऑपरेशन कावेरी में साबित कर। कई हमारे भारतवासी वहां पर फंसे हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने चटपट फैसला किया कि हमारे जो बच्चे वहां पर फंसे हैं, भारत के रहने वाले हैं, हम उनको भारत लाएंगे। बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हमारी जो जान बचाई है आज हम सब। सूडान में फंसे भारतीयों को ऑपरेशन कावेरी ने जीवन दान दिया है। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी इस ज्वाइंट ऑपरेशन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सूडान की जंग के बीच भारतीयों को बचाकर पहले सऊदी अरब के जेद्दा लाया जा रहा है, फिर जेद्दा से इनको फ्लाइट के जरिए भारत लाने की तैयारी है। सूडान में करीब 4000 भारतीय फंसे हैं, जिन्हें निकालने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कावेरी के तहत IFC-130J विमान के जरिए 3 बैच जिद्दा पहुंच चुके हैं। पहले बैच में 121 लोगों को लाया गया, जबकि दूसरे बैच में 135 और तीसरे बैच में भी 135 लोगों को लाया गया, जबकि 278 लोगों को INS सुविधा के जरिए जिद्दा पहुँचाया गया है। जिद्दा पहुंचे सभी भारतीयों की घर वापसी जल्द शुरू होगी। WHO के मुताबिक सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्स ने राजधानी खार्तून में नेशनल पब्लिक हेल्थ लैब पर कब्जा कर लिया है, जिससे बहुत बड़ा जैविक खतरा हो सकता है। WHO ने कहा कि RSF के जवान लैब के साइंटिस्ट को अंदर नहीं जाने दे रहे और बिजली भी कट गई है। WHO के मुताबिक इन हालात में लेबोरेटरी से जीवाणु लीक होने का खतरा है, यानी सूडान में दूसरा वुहान बनने की आशंका है। सूडान में सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच 15 अप्रैल से टकराव शुरू हुआ था, जिसके बाद संकट बढ़ता ही चला गया। लोग घरों में बंद हैं और खाने पीने की चीजों का संकट गहरा गया है। जरूरी चीजों की कीमत 100% तक पड़ गई है। संकट के इन हालात के बीच भारतीयों को वहां से बचाने की कवायद तेजी से चल रही है, ताकि किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। सूडान में सोने की खानों पर कब्जा जमाने के लिए सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेज आमने सामने है। मौजूदा हालात में शांति बहाली का रास्ता नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से जनता को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।